नमस्कार दोस्तों, एमआरजी चैनल में आपका स्वागत है। एमआरजी चैनल में आपका स्वागत है, पहले भी था और आज भी है। आज अपन देखो, ये एक एयर कूल इंजन है, एक वाटर कूल इंजन आता है और एक एयर कूल इंजन आता है। एयर कूल इंजन की रिंगें और पिस्टन कनेक्टिंग कैसे फिटिंग होती है और ये पिस्टन रिंग है इस सिलेंडर में कैसे फिटिंग होती है वो आज अपन देखते हैं। और पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो हर चीज आपके पूरी समझ में आएगी। और एमआरजी चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करोगे और घंटी के निशान को दबाओगे तो जो अभी ये हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। चलो अपन ये वीडियो बना के देखते हैं और पिस्टन कैसे फिटिंग होता रिंग है, कैसे फिटिंग होती है। ये देखो दोस्तों, लगातार देखते हुए, ये एक पिस्टन है 102 mm का, 102 mm का पिस्टन आज अपन फिटिंग करते हैं। ये इसकी कनेक्टिंग रॉड है और इसको पिस्टन के अंदर फिटिंग करते हैं। कनेक्टिंग रॉड के बुश को थोड़ा अपन लुब्रिकेट कर देते हैं जिससे ये आराम से फिटिंग होने में आसानी होगी। इस कनेक्टिंग को थोड़ी सी अंदर कर देते हैं, फिर इसमें ये आ गई और इसको ये देखो पूरी फिटिंग हो गई है। और इसमें अभी ये अपन लॉक फिटिंग करते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी अपन ने देखो लॉक फिटिंग कर दिया है। ये देखो, ये लॉक आ गया और ये लॉक भी आ गया। इस लॉक को भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि इसका बैलेंस एकदम बराबर होगा। ये देखो अपन काम हो गया दोस्तों। ये देखो, ये इसको पकड़ो भैया थोड़ा। अभी देखो अपन ऐसा करते हैं, रिंग फिटिंग करते हैं। रिंग फिटिंग करने से पहले एक बार थोड़ा रखना इधर, रिंग फिटिंग करने से पहले रिंग को अपन चेक कर लेते हैं कि रिंग सिलेंडर के अंदर अपना कितना गैप बता रही है। रिंग अंदर डाली और पिस्टन से सीधी की और अपन ने ये देखी। ये देखो इसमें 8-10 की पत्ती आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। 8-10 की पत्ती और 10-12 की पत्ती का गैप होना चाहिए, 12 की पत्ती आनी चाहिए। वो अभी अपन इसमें पत्ती लगा के देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल ओके है, 12 की पत्ती आ रही है और रिंग गैप बिल्कुल अपना ओके है। 12, 13, 14, 15 तक फिटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब अपन ऐसा करते हैं, रिंग है अपनी पिस्टन में फिटिंग करते हैं। ये लो हेलप पकड़ो इसको। ये देखो दोस्तों, तीन रिंग है। ये तो ऑयल रिंग है नीचे वाली, जो अभी देखो ये ऑयल रिंग की गाइड है। ये इस गाइड को मैं मेरी तरफ रखता हूँ और मेरी तरफ रखते हुए इसको विपरीत कर देता हूँ मेरे से। उसके बाद में देखो दोस्तों, रिंग के ऊपर रिंग के कंपनी का नाम और लिखा हुआ आता है और किस साइज की रिंग है वो भी लिखी हुई आती है। ये देखो स्टैंडर्ड की रिंग है, इसको अपन ऊपर की तरफ रखेंगे। ऊपर की तरफ रखते हुए अपन पिस्टन के अंदर डालेंगे। जैसे ये अभी देखो आ गई है, ये देखो। अब ऐसा है दोस्तों कि ये दो रिंग है, इन रिंगों पे STD लिखा हुआ है और इस पे टॉप लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टील की रूप की रिंग है, स्टील की। ये जो चमक रही है देखो, ये टॉप में आएगी और ये नीचे आएगी। इसको मैं अभी आपके सामने नंबर ऊपर रखते हुए ऊपर से दो नंबर ग्रुप में फिटिंग कर देता हूं। ये हो गई देखो। अब अपनी ये टॉप रिंग है, जिसके भी नंबर ऊपर रखते हुए अपन इसको
पिस्टन में फिटिंग कर देते हैं। ये हो गई पिस्टन में फिटिंग। अब इसको अपन इस सिलेंडर के अंदर फिटिंग करेंगे एकदम। इसमें ये सिलेंडर है, इसमें अपन अभी फिटिंग करेंगे, देखो इन रिंग को और पिस्टन को। ये अभी अपन इसकी रिंग है के मुंह किस तरफ रखना है अपने को, जैसे अपनी कनेक्टिंग की मक्की की मक्की साइड है ये। अभी अपन इसमें ऐसा करते हैं, एक बैरिंग फिटिंग कर देते हैं। ये क्रैंक है, स्टैंडर्ड साइज की। इसी में ये स्टैंडर्ड का किर्लोस्कर कंपनी का अपन बैरिंग फिटिंग कर देते हैं। पहले तो ये हो गया इसमें, और कंटिन्यू करते हुए इस बैरिंग को भी अपन इस कैप के अंदर फिटिंग करते हैं। ये देखो ये दोनों बैरिंग फिटिंग हो गए हैं। चलो अब अपनी देखो, ये मक्की है इस तरफ, और मक्की की तरफ मैं रख रहा हूँ, मक्की से विपरीत इसका टॉप रिंग का मुंह रखूँगा, दूसरी का रखूँगा यहाँ, और तीसरी का रखेंगे यहाँ। तो ये देख लो दोस्तों, टॉप रिंग एक इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर। तो इसको अपन अब ऐसे फिटिंग करेंगे। देखो ये ब्लॉक के तीन हॉल है जो इस स्टेज में आएंगे, ब्लॉक के ऊपर जो अभी आपको जिस समय अपन फिटिंग करेंगे उस समय आप तो बता दिया जाएगा। श्रृंगों को थोड़ा ऑयल दे देते हैं। अपना देखो अब मक्की की तरफ टॉप रिंग नहीं है, इसका मतलब मक्की की तरफ अपने को नोजल नहीं लगाना है, इसको उल्टा रखना है उस तरफ। इस चीज को पूरी ध्यान में रखते हुए रिंग प्लंजर में रिंगों को पैक करते हैं। ये देखो दोस्तों पैक हो गया। अब देखो ये मक्की है इस तरफ, और मैं इसको इस तरफ रख रहा हूं, आप भी इसी तरफ रख के इसको फिटिंग करना है। अपना टॉप रिंग का मुंह है वो मक्की से विपरीत है। ये ये देखो अपना पिस्टन फिटिंग हो गया एकदम ओके। ये अब इसको इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो दोस्तों इस ब्लॉक को और पिस्टन को और कनेक्टिंग को इंजन में फिटिंग कैसे करते हैं वो आपको फिटिंग करके अपन मैं भी दिखाऊंगा और आप भी देखोगे। और दोस्तों मैं आपसे यही एक बात कहना चाहता हूं कि जो मैं मेरे पास नॉलेज होता है वो नॉलेज मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और दोस्तों जो कोई भी आपको लगे कि भी ये चीज सही नहीं है वो नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी सोच है, कोई लोग कुछ लिखते हैं जैसा उनकी सोच होती है वैसा लिखते हैं, और मैं मेरी सोच से उनको जवाब भी देता हूं। जैसे कमेंट में आप भी लिखना, और MRG चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। MRG चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो
तो इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दोस्तों आप तक पहुंच जाएगा, और घंटी के निशान को दबा देना, जिस टाइम अपन हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे उसी टाइम आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों MRG चैनल को देखो और आगे भी MRG चैनल के वीडियो शेयर करो। MRG चैनल के वीडियो आगे शेयर करोगे तो MRG चैनल आप सबके सहयोग से आज जिस स्थिति में है बहुत अच्छी स्थिति में है, और इससे आगे आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो इससे भी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में आप लोगों के सहयोग से ही जाएगा। आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो दोस्तों हमारा भी हौसला बहुत आपकी तरफ बुलंद होगा, आपकी तरफ हौसला हमारा मन भी बढ़ेगा, और आप भी हमारी तरफ आओगे और MRG चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो यार MRG चैनल बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। उस दिन सब दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, आज भी और उस दिन भी होगा। ये दोस्तों एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे दोस्ती प्रेम के नाते कुछ भी समझ लो, लेकिन MRG चैनल को सब्सक्राइब कर देना और MRG चैनल पे जो वीडियो आते हैं उनको आगे शेयर कर देना, और इसमें जो जानकारी है उसको आप ग्रहण करना, और आपको कुछ भी फर्क लगे मेरे को जरूर बताना। आप मेरे को बताओगे तो मैं उसका सुधार कर लूंगा, और सुधार करेंगे तो उसमें कोई तकलीफ होगी तो दूसरे दोस्त वापस पूरा वीडियो देखेंगे तो सब लोगों को फायदा होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मालिकम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों क्या हो रहा है, कहां पर हो, जय हो भाई।